तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी अपडेट, पांच राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी कैंडिडेट लगभग 52,700 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों को अब तक 70,916 वोट मिले, तो बड़ी लीड यहां पर बीजेपी ने की है। बीएसपी प्रत्याशी की बात करें तो 18,214 वोट बीएसपी कैंडिडेट को यहां पर मिले। एसपी कैंडिडेट की बात करें तो तीसरे नंबर पर 14,570 वोट एसपी कैंडिडेट को यहां पर मिले हैं। गाजियाबाद में पांच राउंड की काउंटिंग के बाद ये रुझान सामने आए हैं। पूजा, बिल्कुल इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं रुझानों के जरिए, और आपके पास अनुपम जी वापस आते हुए, यहां पर माना जा रहा था कि बीजेपी और बीएसपी के बीच में खड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने आखिरी वक्त में यहां पर अपना प्रत्याशी बदल दिया, उसी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है अब। अनुपम जी, हाँ ये भी है, और देखिए गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद ने पहले से भाजपा स्ट्रॉन्ग थी, ऐसी बात नहीं है। और अगर आप पिछले चुनाव 2018 के चुनाव में देखें तो 16 में से 14 जगह भाजपा ने जीत दर्ज की थी, और केवल दो जगह पे मेरठ और अलीगढ़ में बसपा ने भाजपा के विजय रथ पर था। समाजवादी पार्टी इस बार की शून्य तक ही आई, और मेरा हमेशा कहना रहा और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप देखेंगे इस बार भी जहां तक शहरी चुनाव की बात है, नगर निगम की बात है, सपा फिर से शून्य की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, कहीं कहीं वो पाइक है। दूसरी बात जो आप देखेंगे वो ये कि बहुजन समाज पार्टी कितनी जगह पे नंबर दो आ रही है, कितनी जगह वो नंबर दो पे आके सपा को तीसरे नंबर पे ढकेल रही है, और ये मैं समझता हूँ कि इस पूरे निकाय चुनाव का सबसे बड़ा टेका ये होगा कि तमाम जिलों में आप देख रहे हैं कि बसपा ने सपा को पीछे ढकेल दिया है। इसका अच्छा, कई जगह कांग्रेस आपको आती नजर आ रही है, कई जगह MIM नजर आती है। क्या इसके पीछे वजह नजर आ रही है, क्या कारण नजर आ रहे हैं? तैयारी नहीं थी पूरी, ज्यादा लाइटली ले लिया। आप देखिए 2022 में 91% में मुस्लिम वोट मिला था समाजवादी पार्टी को, आज वो मुस्लिम वोट आपको MIM में भी जाता नजर आ रहा है, बसपा में जाता नजर आता है, कहीं कहीं कांग्रेस में जाता नजर आ रहा है। तो ये दिखाता है अपने आप में कि 91% मुस्लिम वोट का एकाधिकार था समाजवादी पार्टी का 2022 में, और वो जिसको मैं लगातार कह रहा हूँ वो टूट चुका है, और मुसलमान बड़ी मात्रा में सपा से पलायन कर चुका है। और 2024 के चुनावों के मद्देनजर इस समाजवादी पार्टी के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सूचना नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह मुसलमान तमाम पार्टियों में पटा है इस बार, वो डेफिनेटली 2024 में एक बहुत बड़ा गठबंधन भाजपा के विरोध में आपको खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। छह राउंड की काउंटिंग अलीगढ़ की बात करें तो पूरी हो चुकी, बीजेपी लगभग 21,000 वोटों से आगे। बीजेपी कैंडिडेट यहां से इस वक्त की बड़ी अपडेट, अलीगढ़ से 21,000 वोटों से यहां पर बीजेपी कैंडिडेट आगे है। अब तक 6 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और छठे राउंड की बात करें तो अब तक के जो परिणाम सामने आए उसमें बीजेपी कैंडिडेट 21,202 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, अलीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी को अब तक 55,448 वोट मिले हैं, भारी मतों से बीजेपी कैंडिडेट यहां पर आगे। एसपी प्रत्याशी की बात करें तो 34,286 वोट एसपी कैंडिडेट को मिले हैं। बीएसपी थर्ड नंबर पर है 16,000।